लव गुरु के साथ है रेडियो सिटी पर। बात करना चाहते हैं अगर आप लाइव मुझसे, तो शेयर करिए अपना नंबर, टाइप करें LUV एक स्पेस देकर अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखें और भेजें इस मैसेज को 57272 पर। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर है, आइए बात करते हैं उनसे। लव गुरु, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, पर अब हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है। वो मुझे हमेशा कॉल करके धमकी देते रहता है, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। हम लोग रिलेशनशिप खत्म किए 6 महीने से भी ज्यादा हो गया और हमेशा मुझे ब्लैकमेल करता है, मैं क्या करूँ, प्लीज मुझे कोई सजेशन दे दो प्लीज। विल, जब एक इंसान आपको ब्लैकमेल करने लगे, डराने लगे, धमकाने लगे, तो उससे एक चीज तो समझ में आ जाती है कि प्यार का तो पता नहीं, बट हाँ, वो इंसान अब जबरदस्ती पर उतारू हो गया है। और जबरदस्ती करके अगर उन्हें लगता है कि वो आपका प्यार हासिल कर लेंगे, तो ये उनकी शायद सबसे बड़ी गलतफहमी है। प्यार को केवल प्यार से ही जीता जा सकता है, जबरदस्ती या ब्लैकमेल करके नहीं। आई फाइंड इट अ वेरी कावर्डिस एटीट्यूड। ये बड़ा ही कायराना एक तरीके का मुझे बिहेवियर लगता है कि अगर कोई एक इंसान अपनी मर्जी से साथ नहीं है तो उसे आप डराएं। अगर मैं बिल्कुल एक दोस्त की तरह बात करूं ना आपसे, तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को समझाने का भी कोई फायदा नहीं होता। आपने तरीके से बहुत बार समझाया भी होगा, बट अगर लग रहा है कि वो इंसान बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, या फिर डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने घर में इस विषय पर बात करिए। अपने घर में ना एक तरीके का ऐसा माहौल बनाना जरूरी होता है कि हम अपने घर में एटलीस्ट अपने सिबलिंग से, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से, एटलीस्ट मम्मी या पापा, किसी भी एक इंसान से थोड़ा क्लोज हो और अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात शेयर कर सके। तो अगर कोई आपके घर में बड़े हैं, मे बी आपके बड़े कोई सिस्टर, मे बी आपकी कोई बड़ी कजन या बड़े भाई जो आपसे बहुत क्लोज हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें ये बात बताइए और उन्हें अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए कि वो समझाएं। क्योंकि जब भी एक लड़के को ये लगता है ना कि आप अकेली हैं और आप ऐसी कोई बात नहीं कहेंगी किसी से, तो वो हर तरीके से आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। जिस दिन उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि आप अकेली नहीं हैं और आपके परिवार में बड़ा ओपन माहौल है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज बड़े खराब होंगे, तो वो इंसान अपने आप रुक जाएगा। मान लेते हैं कि आपके घर वाले समझाते हैं, वो लड़का फिर भी नहीं समझता है, तो उसका एक बड़ा ही आसान सा तरीका है, एक पुलिस कंप्लेंट करें। और ऐसे लोगों को एक सबक सिखाया जाना जरूरी है, चुप मत रहिए, क्योंकि अगर आप चुप होंगी ना तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है। और जब ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता है, तो हो सकता है कि आप मुझसे बात कर रही हैं, अगर वो किसी और लड़की को परेशान कर रहे हों जो बहुत ज्यादा घर में ना बात कर पाती हो या शाही हो, तो कहीं ना कहीं उसके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए भी जरूरी है कि ऐसे इंसान को सबक सिखाया जाए। सो जाइए अपने घर में बात करिए, एंड आई होप कि इसका आउटपुट पॉजिटिव हो। कुछ प्रॉब्लम लगे तो डू कॉल मी एंड टॉक टू मी। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ और सुनते रहिए रेडियो सिटी। कोई सवाल है अगर आपका भी, तो कॉल करिए मुझे, नंबर है 01166919191।